मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेसन नंबर 4, द वेस्टर्न डेजर्ट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द एरिया, द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स अ डेजर्ट इज़ अ हॉट एंड ड्राई रीजन। डेजर्ट एक बहुत गर्म और ड्राई रीजन है, ड्राई एरिया है, एज इट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। दिस एरिया इज़ नोन एज डेजर्ट एरिया। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, आर फर्स्ट टॉपिक इज द इंडियन थार डेजर्ट। द इंडियन थार डेजर्ट इज़ अ ह्यूज स्ट्रेच ऑफ ड्राई एंड सैंडी एरिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये बहुत ही एक बड़ा एरिया है, ड्राई रीजन है, सैंडी एरिया है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसको थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग, 800 किलोमीटर तक लंबाई है इसकी और 500 किलोमीटर तक वाइड है, ये चौड़ाई है इसकी। द थार डेजर्ट कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। जो थार डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसका जो मेजर पार्ट है, जो बड़ा हिस्सा है, वो वेस्टर्न राजस्थान में कवर्ड। एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये राजस्थान है हमारा, यहाँ पर इंडियन थार डेजर्ट है और इसका जो बहुत मेजर पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, यहाँ पर ये वेस्टर्न राजस्थान में है इसका। एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड टू एन एरिया ऑफ सॉल्ट मार्श इन गुजरात, नोन एज रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे इस जो थार डेजर्ट है, यहाँ तक ये फैला हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रन ऑफ कच्छ। इन द ईस्ट इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरावली रेंज ऑफ हिल्स। Sand, sand, sand everywhere. The Great Indian Desert is a vast region covered by sand. It is very dry region where few plants grow. The Great Indian Desert है, बहुत ही vast region है, बहुत बड़ा region है, जो covered by sand. रेत से covered है, बहुत vast region है. It is very dry region, सूखा area because of sand, and very few plants grow. और यहाँ पर बहुत ही जो कम plants हैं वो grow करते हैं, क्योंकि सैंडी एरिया है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं करते। व्हेन द लूज सैंड गेट्स डिपॉजिट अराउंड अ बैरियर, डेट ब्लॉक्स द सैंडी विंड्स, बिग मोंड्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और वहाँ पे जब सैंड जो है वो बिग मोंड्स, उसके टीले इकट्ठे बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मीन्स जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, जब सैंड उड़ती है, हवा उड़ती है, तो वो सैंड ड्यून्स फॉर्म करते हैं। सम सैंड ड्यून्स आर अ बिग एज अ हिल, और कुछ सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले होते हैं वो हिल के ऊंचे ऊंचे ड्यून्स वो फॉर्म कर लेते हैं। सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट। सैंड स्टॉर्म्स मीन्स रेत का तूफान, यहाँ पे बहुत कॉमन है डेजर्ट एरिया में। सैंड स्टॉर्म और सैंड ड्यून्स आर वेरी कॉमन। द स्ट्रॉन्ग डेजर्ट विंड कीप्स मूविंग दीज ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, ये सैंड स्टॉर्म जब बहुत तेज़ हवा चलती है, तो ये अपनी प्लेसेस को चेंज करते रहते हैं। In some places in the desert, some water from under the ground comes up to the surface in form of spring. These areas have some trees such as date palm, kikar and the babool trees. Such a short stretch of greenery in the desert is called an oasis. कुछ area desert में ऐसा होता है कि जहाँ पर underground water surface area पर आता है in the form of spring or well, और उस area में greenery या plants grow करते हैं, such as date palms, kikar and babool. ज़्यादा प्लांट ग्रो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सैंडी सॉइल, लेकिन वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर से पानी सरफेस की तरफ आता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, और वहाँ से कुछ ग्रीनरी फॉर्म होती है, वहाँ पर प्लांट्स होते हैं। सच अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ग्रीनरी इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओसिस, उसको हम ओसिस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। द थार डेजर्ट रीजन हैज़ अ हार्श क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श, हार्श मीन्स बहुत कठिन जो क्लाइमेट है वहाँ का। ड्यूरिंग समर्स द डेज इन द डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, द नाइट्स आर कूल्ड बिकॉज ऑफ सैंड। इसलिए वहाँ पे जो डेज हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, सूखे सूखा मौसम होता है, ड्राई एरिया है, डेट्स वाई वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई है। लेकिन वहाँ पे जो नाइट्स हैं, बिकॉज ऑफ सैंड जो है वो रात में कूल्स डाउन हो जाती है, इसलिए वहाँ पे रात में मौसम ठंडा हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ सैंड गेट्स हीटेड अप क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स डाउन फास्ट एट द नाइट। वहाँ पे दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और रात में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सैंड है वो
दिन में ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और रात में उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में मौसम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। विंटर्स में भी वहाँ पर यही रहता है कि रात में बहुत ज़्यादा दिन जो है बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और रात का मौसम जो होता है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देयर आर डस्ट स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट एवरी डे। एवरी डे मीन्स हर रोज़ाना वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, डस्ट वहाँ पे जो रेत उड़ती है, रेत का तूफान वहाँ पे नॉर्मल है, हर दिन आता है वहाँ पे। द डेजर्ट इज़ वेरी ड्राई एज इट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल। जो डेजर्ट एरिया है वो ड्राई है, ड्राई एरिया है, सूखा रीजन है, सूखा एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बरसात बहुत कम होती है। दे आर नो बिग रिवर्स, वहाँ पे कोई भी बड़ी रिवर नहीं है। नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो इन द रीजन, और वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता बिकॉज ऑफ सैंडी सॉइल एंड लैक ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है सैंडी एरिया है, इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है वो भी सैंडी सॉइल है, और वहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ नो बिग रिवर इन द डेजर्ट एरिया, इसलिए वहाँ पे पानी की कमी है, सैंडी सॉइल है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। ओनली दोज प्लांट्स डैट कैन सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर ग्रो हेयर सच एज कैक्टस एंड डेट पाम्स, यही प्लांट ग्रो करते हैं, कैक्टस डेट पाम ग्रो करते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल लाइफ। वहाँ के एनिमल की लाइफ कैसी होती है। वेरी फ्यू एनिमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, बहुत ही कम एनिमल्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। अ कैमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। वहाँ का जो कैमल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, वहाँ के लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कैमल कैन सर्वाइव इन द हार्श क्लाइमेट। जो एक कैमल ही है जो वहाँ पे, वहाँ का इतना जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श है, मुश्किल है, कठिन क्लाइमेट है वहाँ पे, ये सिर्फ कैमल ही सर्वाइव कर सकता है। एंड कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और कैमल वहाँ पे बिना पानी के, बिना खाने के बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। इट हैज़ थिक पैडेड पॉज विच हेल्प्स इट टू वॉक इन द हॉट डेजर्ट सैंड एंड लॉन्ग आई लैशेज विच प्रोटेक्ट इट आइज फ्रॉम द डेजर्ट स्टॉर्म। क्यों वो वहाँ पर हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैडेड पॉज होते हैं, आपने उसके पैर देखे होंगे, एकदम बिल्कुल पैडेड होते हैं, विच हेल्प्स इन टू वॉक इन द हॉट डेजर्ट, जिससे वो गर्म डेजर्ट में, जो हॉट डेजर्ट होता है जब सैंड जो दिन में गर्म हो जाती है, अब उसमें कैमल कैसे वॉक कर सकता है, तो उसके जो थिक बहुत ज़्यादा मोटे मोटे उसके पॉज जो होते हैं, पंजे होते हैं, पैडेड पॉज होते हैं, जिससे वो हॉट डेजर्ट में ईजिली चल सकता है। एंड लॉन्ग आई लैशेज, और उसकी जो पलकें होती हैं वो बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, एंड विच प्रोटेक्ट इट्स आइज फ्रॉम द डेजर्ट स्टॉर्म्स। जब भी डेजर्ट स्टॉर्म आता है, तूफान आता है रेत में, तो उसकी आंखों में धूल नहीं जाती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग आई लैशेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी मीन्स जब पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी, तो वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। पानी की कमी है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे कोई बिग रिवर नहीं है, लिटिल रेनफॉल होती है, बरसात ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, स्कार्सिटी है, पानी की कमी है। समटाइम्स पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कलेक्ट वाटर। कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं पानी लाने के लिए। दे आर केयरफुल अबाउट सेविंग वाटर एंड यूज़ वेरियस वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। वो बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि पानी को हमें किस तरीके से सेव करना है, और डिफरेंट मैथड्स यूज़ करते हैं कि पानी को वो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं पानी को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ ऑफ द पीपल इन राजस्थान। वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ डिफ़िकल्ट। वहाँ के डेजर्ट रीजन में जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पानी की कमी है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द डेजर्ट हैव डेवलप्ड अराउंड द ओसिस एरियाज़। वहाँ की जो ज़्यादातर विलेज एरियाज़ हैं वो डेवलप्ड हैं ओसिस एरियाज़ में। ओसिस एरिया कौन सा एरिया होता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस की तरफ आता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और हिल्स वेल्स, जिससे कि उस एरिया में ग्रीनरी, कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विलेजेस जो हैं वो ओसिस एरिया में डेवलप्ड हो गए हैं। द ड्राई सॉइल अलाउज पीपल टू ग्रो ओनली मिलेट्स लाइक ज्वार एंड बाजरा एंड अ फ्यू पल्सेस डैट कैन ग्रो विद अ लिटिल वाटर। और वो उस पानी में ये कुछ पल्सेस वगैरह जो है, ज्वार है, बाजरा है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बीन डेवलप्ड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर। और इंदिरा गांधी कैनाल, कैनाल मीन्स आर्टिफिशियल वाटर वे, ये आर्टिफिशियल वाटर वे है सतलुज रिवर से
कैनाल बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जो रिवर से पानी लेते हैं और इसको हम इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं इसका पानी से। रिवर्स का पानी हम यूज़ करते हैं, डैम्स का पानी यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये कैनाल होते हैं, आर्टिफिशियल वाटरवेज होते हैं जिसका पानी इंदिरा गांधी नेशनल कैनाल है, ये डेवलप टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर से पानी मिलता है एंड प्रोवाइड इट फॉर द इरीगेशन इन द बैरन डेजर्ट। और ये किसके लिए यूज होता है इसका पानी? इरीगेशन के लिए यूज होता है, खेतों की सिंचाई के लिए यूज होता है इन द बैरन डेजर्ट। बैरन डेजर्ट मीन्स बंजर जो ज़मीन होती है डेजर्ट की, उसके लिए यह पानी यूज़ होता है सिंचाई के लिए। दिस कैनाल इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा कैनाल है पूरे वर्ल्ड का। दिस हैज़ हेल्प्ड इन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल, और जिससे हेल्प मिलती है कि हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि हमें इससे पानी मिलता है फॉर इरिगेशन, खेतों की सिंचाई के लिए। पीपल रियर शीप, गोट्स, कैटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंटली कैमल्स। यहाँ के लोग जो हैं शीप, गोट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रियरिंग करते हैं, पालन करते हैं, लोगों का पालते हैं। सम पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के लिए, खुद के लिए खाना ढूंढते हैं। सच पीपल्स आर कॉल्ड बंजारास, इनको हम बंजारास बोलते हैं। ये किसी पर्टिकुलरली एक प्लेस पर नहीं रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर, कभी एक जगह रहते हैं कभी दूसरी जगह रहते हैं, और ये सर्च करते हैं अपने लिए फूड करते हैं। जहाँ भी इन्हें खाना पानी मिलता है ये अपना सामान लेकर अपने एनिमल्स के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एंड सच पीपल आर कॉल्ड बंजारा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सारे लोग हैं, इनके साथ एनिमल्स होते हैं और ये अपना पूरी फैमिली लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बंजारास। नाउ शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज़ वेरी यूजफुल टू द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। जो कैमल है, जो लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं, कैमल उनके लिए बहुत यूजफुल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मैंने अभी आपको बताया कि शिप इज़ ऑल, कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का शिप कहा जाता है कैमल। इट प्रोवाइड्स मिल्क, इससे हमें मिल्क मिलता है। पीपल ऑल्सो यूज़ द कैमल टू प्लॉ फील्ड, खेतों की खुदाई करने के लिए कैमल का यूज़ करते हैं, एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, और कुएं से पानी निकालने के लिए कैमल का यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, फॉर पुलिंग कार्ट्स एंड कैरिंग लगेज, और हम इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी, पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डेजर्ट एरिया में कैमल का यूज़ किया जाता है फॉर पुलिंग कार्ट्स, कार्ट्स को खींचने के लिए, एंड कैरिंग लगेज, और सामान उस पर लाद कर हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली हम उसको ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द डेजर्ट हैव फ्लैट रूफ्स, रूफ्स मीन्स छत। जो डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर लोगों के घर होते हैं उनकी जो रूफ्स होती है, छत होती है, वो फ्लैट होती है, एंड स्मॉल विंडोज़, छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर थिक टू कीप द हीट आउट एंड लेट द हाउस रिमेन कूल। और जो उसकी छत वॉल्स होती हैं, जो उनका घर होता है डेजर्ट एरिया में, जो लोगों का घर होता है, उनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं, जिससे हीट जो है वो घर के अंदर ना आ पाए और घर जो है वो उनका ठंडा रहे। इन विलेजेस पीपल लिव इन हट्स मेड ऑफ सैंड एंड काउड। और विलेज एरिया में लोग कहाँ पर रहते हैं? हट्स में रहते हैं, जो रेत की हट्स बनी होती हैं और काउडंग्स, गोबर से बनाई जाती हैं, काऊ के डंग से बनाई जाती हैं और सैंड से। और गांव के लोग जो होते हैं वो हट्स में रहते हैं, और शहर के लोग फ्लैट रूफ्स में रहते हैं एंड स्मॉल विंडोज़, और उसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, जिससे हीट अंदर तक ना आ पाए और जो उनके घर हैं वो ठंडे रह सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लोथ्स एंड फेस्टिवल्स। क्लोथ्स एंड फेस्टिवल, पीपल इन राजस्थान वेयर वेरी कलरफुल क्लोथ्स। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनते हैं। वुमेन वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, वहाँ की जो वुमेन है वो घाघरा चोली ओढ़नी पहनती हैं, एंड मैन वेयर कलरफुल कुर्ता, वाइट धोती एंड टर्बन्स। टर्बन्स मीन्स पगड़ी। वहाँ के जो मैन हैं, मैन लोग क्या पहनते हैं? कलरफुल कुर्ता, उनका कलरफुल कुर्ता होता है, वाइट धोती एंड टर्बन्स, और टर्बन पगड़ी लगाते हैं वहाँ पे। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक राजस्थानी एंड हिंदी, वहाँ के लोग राजस्थानी और हिंदी बोलते हैं। घंघोर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। ये सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो हाथ से सामान बनाया जाता है, एंड इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान आर फेमस
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, जो हाथ से ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, वहाँ के लोग बहुत सारे पेंटिंग्स बनाते हैं, कलरफुल फैब्रिक्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बहुत सारे हाथों से चीज़ें बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, तो ये सारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फेमस है हैंडीक्राफ्ट वर्क. सम ऑफ दीज आर स्टेट मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर मीन्स स्मॉल बट डिटेल पेंटिंग. सम ऑफ दीज आर द स्टेट मिनिएचर पेंटिंग्स, ब्लू पॉटरी, कलरफुल टाई एंड डाई फैब्रिक्स एंड क्लोथ, हैंड पेंटेड फर्नीचर एंड सिल्वर ज्वेलरी विथ सेमी प्रीशियस स्टोन. प्रीशियस मीन्स वेरी कॉस्टली, स्टोन्स मीन्स वो उससे ज्वेलरी बनाते हैं स्टोन से ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स. तो सारी चीज़ें वो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाते हैं. मैनी केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन राजस्थान. बहुत सारी केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं राजस्थान में. कॉपर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फाउंड हियर. और यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है कॉपर. मिनरल मीन्स इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, इस तरीके का सब्सटेंस है जो हमें माइनिंग करके हम अर्थ से हमें नेचुरल सब्सटेंसेज है जो हमें मिलते हैं खुदाई करके. तो कॉपर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमें वहाँ से मिलता है. मार्बल फ्रॉम मकराना इन राजस्थान इज़ वेरी पॉपुलर. और मार्बल जो है वो मकराना का, वो राजस्थान का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेन सिटीज़. यहाँ की जो मेन सिटीज़ हैं वो क्या हैं, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, अजमेर एंड जयपुर आर द मेन सिटीज़ ऑफ राजस्थान. ये सारी यहाँ की मेन सिटीज़ हैं. एंड जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका जीके में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा. जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया. जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं. देर आर मैनी ब्यूटीफुल फोर्ट्स, किले एंड प्लेसेज इन राजस्थान. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फोर्ट्स हैं, किले हैं और प्लेसेज हैं, पैलेसेज हैं राजस्थान में. पैलेसेज मीन्स महल. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज प्लेसेज थ्रू आउट द ईयर. टूरिस्ट पूरे दुनिया के टूरिस्ट जितने भी घूमने, जो बाहर से लोग आते हैं पर्यटक, वो वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं. पूरे साल वो लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं. एंड द फैंटेस्टिक फैक्ट, दे आर अबाउट 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन इन राजस्थान. दे हैव मैनी नेम्स सच एज पगड़ी, पेंचा, सेला और साफा. वहाँ के जो लोग हैं 1000 डिफरेंट टाइप्स की पगड़ी उनको पहननी आती है. टर्बन्स 1000 डिफरेंट तरीके के वो टर्बन्स यूज़ करते हैं, पहनते हैं. और जैसे सम नेम्स सच एज पगड़ी, पेंचा, सेला और साफा, ये कुछ नेम्स हैं. ऐसे ही 1000 पगड़ी हैं उनकी, टर्बन है जिसके अलग अलग नेम्स हैं. सो स्टूडेंट द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. गो थ्रू एंड रिवाइज इट. आई विल प्रोवाइड द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर.